बागेश्वर नगर पालिका ने नगर में लोगों की सुविधा के लिए दो और ई रिक्शा बाजार में उतारे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने दोनों ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बागेश्वर नगर में ई रिक्शा संचालन से लोगों को काफी सुविधा मिली है। परिवहन विभाग से 6 ई रिक्शा संचालन की अनुमति मिली थी, जिसे पूर्ण कर लिया गया है। भविष्य के लिए 6 ई रिक्शा संचालन की और अनुमति ली जाएगी। इधर नगर पालिका के सभासदों सहित विभिन्न संगठनों ने भी नगर में ई रिक्शा संचालन करने पर खुशी व्यक्त की है। नागरिकों ने कहा है कि ई रिक्शा संचालन के बाद लोगों को यातायात सुविधा का लाभ मिला है। बागेश्वर में जन सुविधा को देखते हुए हमने यहाँ पर नई पहल जो की थी, जो हमने आम जनमानस के लिए ई रिक्शा का शुभारंभ किया था, उसी क्रम में आज हमने दो ई रिक्शे और जो है नगर क्षेत्र में जन सुविधा को देखते हुए आज हरी झंडी दिखाई है। और निश्चित रूप से जो है इन ई रिक्शों से जो है आम लोगों को बहुत सुविधा मिल रही है। और हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि जो हमारे मंडल सेरा कठायत बड़ा बिलाना रूट पर चल रहे हैं, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसमें मिल रहा है और लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है, और जिससे कि एक कम कीमत में जो है लोग अपने घरों में पहुंच रहे हैं, ज़्यादा धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। और हम देख रहे हैं कि इसका जो है और अधिक डिमांड अभी पालिका क्षेत्र में लग रही है, तो हमने अभी RTO साहब से बात की है, क्योंकि हमें सिर्फ 6 ई रिक्शों की परमिशन मिली थी जो हमने आज पूरे कर लिए। तो हम अभी एक लेटर और RTO को भेज रहे हैं कि हमें करीब 6 ई रिक्शों की परमिशन और दी जाए, जिससे कि नगर के आने जाने में आवागमन में लोगों को और सुविधा मिले। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।